नीमच में भरबड़िया बाईपास पर स्थित ऑयल फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं व ऑयल से परेशान होकर आज ग्रामवासियों ने ऑयल फैक्ट्री के गेट पर हंगामा किया, जिसमें मौके पर नीमच तहसीलदार, पटवारी व डायल 100 पहुंचे। परेशान ग्रामीण जनों व किसानों के अनुसार ऑयल फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं पूरे गाँव में फैल रहा है व इस ऑयल का रिसाव आसपास के कुओं में हो रहा है। उसकी वजह से पीने का पानी व फसलों को काफी नुकसान कर रहा है। इसी शिकायत के चलते विगत दिनों जनसुनवाई में परेशान किसानों द्वारा आवेदन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं सभी शिकायतों को लेकर कुछ समय पहले भी फैक्ट्री को सील किया गया था, लेकिन अब फैक्ट्री के वापस खुलने से किसानों व ग्रामीणजनों को फसलों और पीने के पानी को काफी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है। मौके पर उपस्थित तहसीलदार ने एक बार जिला कलेक्टर से मिलकर बात करने का आश्वासन दिया। आसपास की जिस पानी पीने के नहीं, पानी घर से लाके पानी पी रहे हैं। जिस कुएं से इसके आसपास के एरिया में जिस कुएं से जमीन में पानी जा रहा है, वो सारी खेती बंजर हो चुकी है। और उसके बाद भी इनको बोल रहे हैं कि आप खेती पे चल के देखो, तो ये बोलते हैं कि हमारे को आपसे कोई मतलब नहीं है। अभी भी इन्होंने यही जवाब दिया, बोले हमारे को आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। मोहित जी बंसल और इनके पिताजी, मैं आस पास में श्रीशाम होटल है मेरी, और मेरी होटल इनकी होगी, इनकी इस कारण की वजह से 4 महीने से बिल्कुल बंद हो चुकी है। जो व्यक्ति आता है बदबू के कारण, वहाँ कोई खाना नहीं खा रहा है और सब लोट लोट के जा रहे हैं। हाथ धो के चला जाता है, हाथ धोते उसको बदबू आती है, डीजल जी तो वो लोट के चला जाता है। बारिश के बाद ऐसी हालत हो रही है, हमारे होटल बिल्कुल जाम हो चुकी है। खेत में मैं जरूर मान रहा हूँ कि हमारे जो टैंक का रिसाव है उसमें से उनके खेत में पानी में डीजल अपना तेल गया है, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ। मैंने जाके देखा है, ठीक है, उनके ऊपर जो तरी आई है वो मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जो एक साथ जो माहौल बन रहा है वो माहौल गलत है। आज मुझे जस्ट यहाँ से आगे के एक खेत वाले ने कहा कि मेरे को 5 लाख की फसल का नुकसान हो गया एक बार में, और वही आदमी मेरा एक खेत का सिजारी है जिसने मुझे 2 साल के अंदर 20,000 रुपए की फसल नहीं दी है, लेकिन उनका ये कहना है मेरा 1 महीने में 5 लाख की फसल का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे वो आए, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा मैं आपको एक, उन्होंने कहा मेरे पास 1 बीघा जमीन है, मैंने कहा 1 बीघा जमीन मैं आपको देता हूँ, मेरे को आप 2 महीने में 5 लाख की फसल उगा के बताइए, अगर आप उगा देते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग मुआवजा दे दूंगा। इसमें मैंने अगर कोई गलत बात कही हो, बस उसके ऊपर वो भड़क गया और जान ने मारने की धमकी दे दी, बाहर जाके मुझे ताला लगा दिया और ये बोला कि फैक्ट्री को हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे अपने जान का खतरा महसूस हुआ और मैंने 100 नंबर को इत्तला। इस प्रकार का काम होता है, आपका ही मेरा खेत है, वहाँ मेरा कुआ भी है, तो मेरे कुएं में अभी लगभग एक डेढ़ फीट से लगभग डीजल भरा हुआ है। मैं जब भी मोटर चलाता हूँ तो पानी के साथ डीजल आ रहा है उसमें, और खेत बिल्कुल फसल बिल्कुल चौपट हो गई है, किसी भी प्रकार से कुछ भी होना जाना कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई है। जब आपने इस बारे में बात करी तो क्या कहना है इनका? कोई ठीक है, मैंने कुछ नहीं कर रखा है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, और बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कि मैंने थोड़ी किया क्या है, ऐसा बोल दिया उसने। क्या होता है इस फैक्ट्री के अंदर, क्या काम चलता है? सब मतलब बायोडीजल का काम हो रहा है, काला ऑयल आ रहा है और सब कुछ है, डीजल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, अनलीगल काम हो रहा है कुल मिला के। कौन है संचालक इसके? ये भिलवाड़ा से मोहित बंसल करके, नाकोड़ा लुब्रिकेंट्स के नाम से। तब आज इनको काफी समय हो गया, कम से कम 5 दिन हो गए हमारे को, ये रोज हमारे से टाइम मांग रहे हैं, बस हाँ 2 घंटे में या 2 घंटे बाद आपको जवाब दे रहे हैं, 1 घंटे बाद आपको जवाब दे रहे हैं, कल आपको जवाब दे रहे हैं, और जैसा भी होगा अपन बैठ के इसका मैं सोल्यूशन करूँगा। और आज हमने इनके यहाँ ऑफिस पे जाकर के बातचीत करी तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा इसमें कोई ये नहीं है लुकआउट, और तुम्हारा को जो करना हो जो कर लो, और हमारा को कहा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। बोले हमारे तो शासन से परमिशन है, हमारे पास पूरा लाइसेंस है इस चीज़ का, क्या और हम कुछ भी कर सकते हैं। और क्या है पूरी परेशानी? इनके यहाँ पे टोटल बायोडीजल बन रहा है, और अभी हमने इनकी जब बातचीत हुई और भेजामारी हुई वो इस बात बाहर निकले, उसके बाद इन्होंने 3 गाड़ियाँ यहाँ से बाहर निकाली है और उनमें टोटल बायोडीजल भरा हुआ था, क्या टैंकर 3 टैंकर बाहर निकले अभी यहाँ, और इनमें तीनों में बायोडीजल भरा हुआ, और ये वापस धड़ल्ले से काम चल रहा है बायोडीजल का। 5 महीने पहले सील कर रखी थी फैक्ट्री, और करीब करीब 3 महीने तक सील रही, उसके बाद भी इन्होंने जोड़ तोड़ करके और वापस इस फैक्ट्री को चालू कर दिया। और प्रशासन की ये कहते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं है, मेरी जेब में इतना पावर है कि प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता। किस बात को लेकर आप मांग कर रहे थे, किस क्या कारण है आपका मांग करने का? हमने इनसे यही कहा कि आप इस डीजल की बदबू को कैसे भी करके रोक दो, हमने इनसे कोई पैसे की कोई डिमांड नहीं करी, हमने इनसे यही बात कही, हमेशा इतने समय से यही बात करते हैं यार, इनको टाइम नहीं है। ये हमारे को बताते हैं कि हमारे किसी मिलने वाला का एक्सीडेंट हो गया तो मैं तो वहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। किस बात का विरोध है? क्या खेती में नुकसान हो रहा है कि क्या बात है? नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट।